चले जी रेडी टू गो। कुंजराब 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 भाई, व्यू चेक करो यार, व्यू तो चेक करो ऊपर का भाई, ये चेक करो व्यू, और बहुत ही खतरनाक लैंड स्लाइडिंग हुई है। बर्फ उठाओ, बर्फ उठाओ, बर्फ उठाओ यार अमीन भाई, बर्फ। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके, ठीक ठाक मज़े में। भाई सीन ऐसा ही था कि निकलना था हमें सुबह सुबह, मगर सुबह तो निकल नहीं सकते थे क्योंकि सीन हो गया ख़राब, हो गई बारिश, बारिश ने सब कर दिया काम ख़राब। तो अभी बारिश हो गई है, यहाँ पर ठंड बढ़ गई है, तो अभी ये कि बस थोड़ी देर और वेट करते हैं बारिश रुकने का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक बारिश जो है वो रुकती होती नहीं है। ये चेक करो व्यू, तो भाई ऐसा सीन ही है, बादल ऊपर बहुत है, बारिश का कुछ नहीं पता है, बाहर बहुत ठंड हो रही है, मैं बाहर खड़ा नहीं हो के बात कर सकता। नाश्ते करने जा रहे हैं, नाश्ता करके आते हैं, कोशिश करते हैं कि बारिश अगर रुक जाए तो फिर हम रवाना हो जाते हैं यहाँ से। जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चले जी रेडी टू गो। कुंजराब कुंजराब कुंजराब, बहुत ठंड है, सामने नज़र आ रहा होगा सुबह यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है भाई, ये यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी बर्फ़बारी हुई है सुबह में, ऊपर ऊपर ठंड बढ़ गई है। कुंजराब में सुनने में आ रहा है कि बर्फ़बारी है शायद, देखते हैं क्या सीन है क्योंकि आइडिया नहीं है। भाई आप अपनी बाइक निकाल लो पहले, सही है फिर मैं बैठता हूँ, तो फिर मेरी बाइक जो है ना वो, ग्लासेस पे ग्लासेस पे सारा जैसा नहीं ना, नीचे लेके जाओगे पीछे है यार, ये बाइक कार के पास लगाओ, आप थोड़ा स्पेस बना दो, मैं पीछे लाऊंगा ना फिर मेरी बाइक पकड़ना आप, क्योंकि यहाँ से घूमेगी नहीं ना पीछे जाके, फिर ये ऊपर चढ़ेगी। जाएगी भाई जाएगी, जाएगी भाई जाएगी जाएगी, और ये पहुंच गई। हाँ से ये देखो ना, मैंने भी जो है ना वो वाइजर नीचे कराया खाली, तो हाँ सब सेट है, ओके ओके, घुमा ले भाई आगे से घुमा ले। अच्छी चलो भाई निकलो, ट्रैक्टर से लिफ्ट। वेलकम टू पासुकोन भाई, पासुकोन आ गए सामने हमारे, हम जा रहे हैं कुंजराब, सोस पे रुकेंगे, देखते पोजीशन क्या है, उसके बाद फिर जो है नहीं, सूरज तो निकला हुआ है, हम टाइमिंग की पोजीशन की देखते हैं कि टाइमिंग की क्या पोजीशन है, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। यार ये इन्होंने सिलेटी पत्थर क्या होते हैं, ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि बगैर ज्यादा सिलेटी पत्थर उठाना मना है,
ये पतले होंगे ये, तो ये किस काम आते होंगे? और पासुकोन जो है ना वो पूरी तरीके से ढके में इस वक्त, और मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं अभी, इतनी ठंड हो रही है। मैंने एक ग्लव्स उतारा हुआ है, मेरा हाथ जो है ना लाल हुआ हुआ है इस वक्त भाई, सिर्फ क्या कि गोप्रो के अंदर जो है ना वो ऑन और ऑफ करने के लिए उंगलियां जो है ना नहीं जाती हैं भाई, साफ बात है। तो मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल रेड हुआ हुआ है इस वक्त, और ये सुन हुआ हुआ है, मगर क्या करें, फुटेज भी तो बनानी है ना। तो मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, एक हाथ में ग्लव्स नहीं है भाई मेरे पास, एक हाथ का ग्लव्स मैंने उतार के रख दिया है, क्योंकि ये जो है ना उंगलियाँ अंदर नहीं जाती हैं भाई, तो ऑन ऑफ कैसे करेंगे हम गोप्रो, इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना मसले मसाइल है। पासुकोन जो है ना वो कुछ नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो है ना वो बिल्कुल ढके हुए हैं सामने बादलों ने और बर्फ ने जो है ना। ये देखो, ये व्यू चेक करो यार, व्यू, ये व्यू है, ओफ व्यू चेक करो, खाली बादल जो है ना वो पासुकोन को घेरे हुए हैं सारे, मतलब आपको आधे आधे पासुकोन नज़र आ रहे हैं, और ऊपर जो है ना वो नज़र ही नहीं आ रहा, बादलों ने सब घेरा हुआ, क्योंकि ऊपर जो है ना बर्फ़ है, और हो भी सकता है कि ऊपर जो है वो बर्फ़बारी हो रही हो पासुकोन के ऊपर, क्योंकि हुंजा पे हमें जो है वो ऊपर वाले जो पहाड़ थे जो टॉप पे थे वहाँ सुबह में बर्फ़बारी हुई थी, और यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके के बादल हैं कि बर्फ़बारी हो रही हो, नीचे की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा हिस्से में बर्फ़ नज़र आ रही होगी, तो मे बी कि बर्फ़बारी जो है वो हो रही हो, तो हो सकता है हमें गुजरात में जो है वो बर्फ़बारी मिल जाए। बहुत खूबसूरत हुआ भाई ये ऊपर जो है ना, ये वाला ये धूप है ऊपर और बादल भी हैं, मगर ये नीचे की तरफ बिल्कुल सन्नाटा हुआ, ऊपर जो है ना ये टोटल समझ लो कि बादलों से ढका हुआ है पासुकोन, ये सारे ऊपर ये वाले जो है ना ये सब ऊपर बादल हैं, मेरे हिसाब से ऊपर बर्फ़बारी है, आपको नज़र आ रही होगी ना ये ऊपर बर्फ़ पड़ी है सारी, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है वो सुबह में बर्फ़बारी हुई हो या फिर हो रही हो, तो इसका कोई आइडिया नहीं है। इस तरफ जो है वो सारी बर्फ़बारी हो रही है अभी भी शायद, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं लगता मुझे कि हो रही है नहीं हो रही, नो आइडिया। अमीन भाई आपको क्या लगता है, हो रही है ना? क्योंकि देखो ये नीचे वाले जो पहाड़ की जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बादल से नीचे, यहाँ बर्फ़ नज़र आ रही है, ऊपर जो है ना वो टोटल बादल हैं जिसके जो है ना वो सारे ऊपर के टॉप ढक चुके हैं, तो हो सकता है यार कि बर्फ़बारी हो रही हो। अगर ये सोस पहुँचते हैं ना तो सोस पे पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट है, और अगर बर्फ़बारी हो रही हो या मौसम ख़राब हुआ तो मुश्किल है कि हमें ऊपर जाने दें वो, कोशिश हमारी है कि भाई हम पहुँच जाएँ। अभी फ़िलहाल एक बज चुका है और अभी हम आधे रास्ते में ही हैं सोस के बाद भी हमें जो है ना वो काफ़ी टाइम लगना है। व्यू चेक करो यार, व्यू तो चेक करो ऊपर का, क्या खतरनाक और जालिम नज़ारे, ओफ बादलों ने ढका हुआ है पासुकोन को इस वक्त यार, बहुत ज़बरदस्त हो रही है पासुकोन, ओफ बहुत ज़बरदस्त ऐसे हो रही है, मत पूछो बस, मैं रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सामने ग्लेशियर चेक करें आप, ओफ सीन चेक करो खाली यार, सीन चेक करो, ओफ क्या व्यू है यार सामने, ये बर्फबारी हो रही है ऊपर भाई, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है ना यहाँ पर, ऊपर बर्फ़ हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है। पासुकोन की ब्यूटी चेक करो यार, ये सितंबर में हमें नहीं मिली थी लास्ट ईयर, बहुत ही आला हो रहा है मौसम, बहुत आला मौसम है। सामने चेक करो यार, सामने कैसी हो रही है, ग्लेशियर चेक करें सामने, उफ क्योंकि जिस तरीके के बादल बता रहे हैं कि ऊपर बर्फबारी हो रही है, ओफ ओफ बहुत ही औसम मौसम हो रहा है भाई, औसम मौसम, ओफ 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 अमीन भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप करें अपने DSLR से, हम करते हैं अपने मोबाइल से क्लिक, यार बहुत ही औसम मौसम है कसम से,
फोटो तो बनती है पासो कौन की। उफ उफ हो रहे हैं, उफ क्या पिक्चर में आएंगे यार। उफ जबरदस्त भाई, मैं खड़ा हो रहा हूँ, रुक जाओ भाई। ये चेक करो व्यू, ये अभी अभी जाना है, मेरे ख्याल से आज में जो है ना बर्फबारी हुई है। उफ उफ ये बर्फबारी बहुत मतलब ताज़ी ताज़ी बर्फबारी है, ये आज या कल में हुई है। जिस तरीके की ठंड हो रही है ना यहाँ पर, अभी मेरे हाथ का हशर देखे आप, ये ऐसा हो रहा है सुन बिल्कुल। और ये अभी अभी की ताज़ी जो है ना बर्फबारी है ये ऊपर। उफ 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 तो भाई ये सीन है बहुत। उफ आगे भी जो है ना मिलने वाला है बहुत कुछ यार। चेक करो ऊपर भाई, ऊपर तो चेक करो, क्या मंजर है ऊपर का। उफ उफ क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार, कसम से ये नज़ारे जो है ना, उफ क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। एक बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छा नीचे जो है ना बर्फबारी, ऊपर बर्फबारी हुई है और नीचे जो है ना, ये चेक करो यो ये नीचे बारिश हुई है और ऊपर जो है ना वो बर्फबारी हुई है। कुंजरापे लगता है कि कुंजरापे जाना वो बर्फबारी हमें मिलनी है। सीन ऐसा बनाया है कि अब हम सोच नहीं रुक रहे, बल्कि हम डायरेक्ट जो है ना वो कुंजराप निकलेंगे। तो देखते हैं भाई, सोच पे आ गए हम लोग और अभी रुकने का सोच पे कोई सीन नहीं है। हम डायरेक्ट हुंजा से जो है वो कुंजराप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम है शॉर्ट, 2:18 हो चुके हैं। अगर हम होटल के लिए जाते हैं ना तो हमारा टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अजो चलिए ले ताकि साथ क्रॉस करें। भाई ये कुंजराब वाली चेक पोस्ट आ गई है हमारी, और यहाँ से जो है हम कुंजराब के लिए निकलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अगर हम होटल वगैरह पे जाते हैं तो हमारा एक आधा घंटा समझ लो कि ज़ाया होना है होटल वाले से बात करने का और फिर सामान रखने का, फिर क्योंकि हमारे पास लगेज जो है ना वो उतना तो होता नहीं है कि भरपूर हो। आ जाओ भाई, निकलने का नहीं है, साथ निकलेंगे। इंटरकॉम की रेंज इतनी थोड़ी है कोई आपकी। चलो आ जाओ, चलो जी कुंजराब के लिए हम निकल गए। ये कुंजराब पास स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और सुबह जो है वो बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पर, और अभी इस टाइम पे धूप निकली आई है, तो नॉट श्योर के हमें जो है वो बर्फ़बारी मिले, धूप जो है ना वो हमें मिल गई है यहाँ पर अभी, क्योंकि सुबह यहाँ नीचे भी सोस में भी जो है ना वो बता कर रहा था अभी मैंने, तो सोस में भी जो है वो बर्फ़बारी हुई है जो कि ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। आगे एक पंप वाले ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो कुछ लोग वापसी आए हैं, अब आगे जाके देखेंगे क्या सीन है, क्या है कहानी, हमें जाने देते हैं या नहीं, हम जा पाते हैं, क्या कहानी है। चलो चलो भाई, ये जो है ना जो पंप वाले ने मैंने बोला था ना आपको, पंप वाले ने बताया ये हुई है लैंडस्लाइडिंग, और बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये देख लो, ये जो है ना बहुत बहुत गंदी लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पर। कार वाले तो वापसी चले गए मेरे हिसाब से। हाँ ये बहुत ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुई है। ये सब जो है ना सब टूट के नीचे गिर गया, ये सब टूट चुका है यहाँ से। हाँ
भाई लैंडस्लाइडिंग बड़ी खतरनाक हुई है वहां पर। ये सारा जो है ना यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग एरिया लग रहा है और डर लग रहा है यहाँ पर ऊपर जो है ना। बहुत ऊपर चेक करेंगे आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है यार, यहाँ के व्यू बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये सुबह जो है वो बर्फ़बारी हुई जिसकी वजह से जो है ना सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पर। और बस वहाँ तो बहुत शिद्दत वाली लैंडस्लाइडिंग थी, पूरा रोड ख़राब हुआ हुआ, पूरा रोड पर जो है ना पत्थर ही पत्थर और बड़े बड़े जो है ना वो सब पड़े हुए। बस हमें चौकी से जो है ना जाने देते हैं, क्योंकि जो आगे चौकी आती है ना वहाँ से अगर इजाज़त नहीं मिली तो हमें वापसी फिर आना पड़ेगा यहाँ पर। ये भी सब लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पर, सारे पत्थर पड़े हुए यहाँ पर। ये सब ताज़ी बर्फबारी है अभी, ये आज सुबह हुई है तो सब जो है ना। हमें पीछे और इससे ज़्यादा बर्फबारी मिली थी, तो वापसी में जो है ना उसको देखेंगे क्या सीन है। अभी बस कुंजरा पहुँच जाए और फिर वापसी के लिए निकले। वेलकम टू कुंजरा नेशनल पार्क के चेक पोस्ट पे आ गए भाई। बर्फ चेक करो, खाली सुबह बर्फबारी हुई है। ओ बर्फ चेक करो भाई, ओ बर्फ चेक करो, बर्फ भाई बर्फ चेक करें। अभी बस को जाप हो जाए वापसी में, फिर बर्फ से खेलेंगे, ऊपर भी मिलेगी बर्फ शायद। भाई उतरना ही पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि जब तक वो टिकट ले रहे हैं अंदर और मैं उतर के जाना जरा बर्फ। ये सब बर्फ जमी है भाई, अभी चेक करें। ओए ओए इसको क्या हो गया भाई, ओ भाई ने शेड उतार दी है, बहुत जबर बहुत जबर भाई भाई ने पूरी शेड ही उतार दी है। ओला भी आ रहा है, कुछ आप पास पे जाना, वो लग रहा है बर्फ होगी। ये ठीक ठाक बर्फ पड़ी है इधर, ये देखो ठीक ठाक बर्फ है भाई। ये बर्फ उठाओ, बर्फ बर्फ उठाओ, बर्फ उठाओ यार अमीन भाई, बर्फ यार। ये मजा आ रहा है, फुल एंजॉय, पैसा वसूल। कैसा हो रहा है ये, हो रही है जाने दो, निकालो सही, निकालो निकालो ऐसा ऐसा। भाई बहुत ठंड हो रही है इधर, बर्दाश्त से बाहर है, बर्फबारी स्टार्ट हो गई है इधर। ये देख लो भाई, ये सारी बर्फ बर्फ, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी, और जो है ना